जिस हॉल के स्टेज पे कुछ साल पहले लास्ट रो में डांस परफॉर्मेंस किया था, आज उसी हॉल में चीफ गेस्ट बन के जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। मुझे जाना है एनुअल फंक्शन में, वो भी एज अ चीफ गेस्ट बनके। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कल मैं क्या पहनूं। तो मैंने ना आप में से काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि मुझे क्या पहनना चाहिए, तो आप में से है ना 60% लोगों ने कहा कि आपको है ना वेस्टर्न वन पीस गाउन पहनना चाहिए। तो अब देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं, क्योंकि मम्मी एकदम बेस्ट मुझे डिसाइड करके देगी कि मुझे कल क्या पहनना चाहिए। क्या कर रहे हैं दादाजी? गाड़ी धो रहे दादाजी और पापा मिलके। सुनो ना, अरे अभी देखो कल एनुअल फंक्शन है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए? मैंने इन सबसे भी पूछा, इन्होंने कहा कि मुझे है ना वेस्टर्न वन पीस गाउन पहनना चाहिए। तो गाउन ही पहन लेना, अच्छा दिखेगा गाउन। कौन सा वाला गाउन पहनूं? मुझे कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अब आप बताओगे ना मुझे क्या पहनना चाहिए कल? पापा को बोल के नया ले लेना। नया लेने के लिए? लेकिन देखते हैं, पापा से पूछती हूँ, पापा को थोड़ा मस्का लगाती हूँ। पापा नीचे गाड़ी धो रहे हैं ना, ये देखो ये पापा गाड़ी धो रहे हैं ना, तो मैं अभी जाके नीचे गाड़ी धो लेती हूँ। ये मस्त आइडिया दिया है, पापा को थोड़ा सा हेल्प कर दो, फिर है ना सीधा पॉइंट पे आ जाओ कि किस लिए हम पापा की हेल्प कर रहे। पापा, पापा कहाँ पे, क्या कर रहे हो? पापा मेरे को भी करना है, मैं अंदर से साफ कर लेती हूँ ना। फिर पापा बाहर से साफ कर रहे, तो वैसे मुझे पानी से साफ करना था, लेकिन पापा ने ही ले लिया नल। देखो अभी है ना मैं पापा को ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, जैसे ही हमारी सब गाड़ी वगैरह साफ हो जाती है, हम घर में चले जाते हैं ना, तब मैं सीधा पापा को सरप्राइज दे दूंगी। और अगर पापा ने नाटक भी किया, नहीं भी बोला ना, तो मैं बोल भी सकती हूँ ना कि मैंने आपकी गाड़ी साफ करने में हेल्प भी तो की है, है कि नहीं? फुल करो नल। वाओ, मैं कर देता ना, अभी तू चीफ गेस्ट बन के जा रही, तो तेरी गाड़ी साफ होनी चाहिए कि नहीं? वो मैं कर लूंगी पापा, मेरे को आपको सरप्राइज देना है, फिर मुझे बोलने को रहेगा ना मैंने आपकी गाड़ी भी तो साफ की, मदद की है। लाओ मैं कर लेता, चीफ गेस्ट थोड़ी ना, पर खुद की गाड़ी साफ करते। ऐसे कुछ नहीं होता पापा, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी, दो ना। पापा को सरप्राइज के बारे में अभी बता दूं क्या? मेरे से रहा नहीं जा रहा यार। पापा एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? देखो अभी कल मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊंगी एनुअल फंक्शन में, तो मुझे कुछ अच्छा सा ड्रेस भी तो चाहिए ना पहनने के लिए। ले लेंगे ना ड्रेस, ले लेंगे ना किराए से, रेंट से ड्रेस लाएंगे ना मस्त। रेंट से? ओके। और अगर मेरे को पसंद नहीं आए तो मम्मी ने तो बोला है ना सीधा खरीद लेंगे हम ड्रेस। खरीद लेंगे ना। हाँ ठीक है, चलेगा, मेरा डन हो गया। चलो के बाद मेरी गाड़ी है ना साफ हो गई, एकदम चकाचक लग रही है। बताओ लग रही है ना एकदम नई और चकाचक गाड़ी? जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था, पापा गाड़ी धो रहे थे ना, तो मैंने ना कपड़ा वगैरह सब ले लिया पापा के हाथ से, और पापा को बोल दिया आप जाओ मैं सब कर लूंगी। क्या यार, पापा बिना पापा बोल रहे थे कि तू चीफ गेस्ट है और तू ही गाड़ी साफ करेगी। ये भी कोई बात हुई भला, चीफ गेस्ट से पहले मैं उनकी बेटी हूँ, और एक बेटी अपने पापा के लिए इतना तो कर ही सकती है कि नहीं गर्ल्स? पापा आ गई मैं गाड़ी साफ करके, एकदम मस्त चकाचक गाड़ी साफ की है मैंने। लेकिन सब बोलेगा ना कि ये कैसा चीफ गेस्ट है जो अपनी गाड़ी खुद ही साफ करती। क्या हो गया, मेरी गाड़ी मैं नहीं साफ करूंगी तो कौन साफ करेगा, है कि नहीं पापा? देखो मैंने ना कल के एनुअल फंक्शन के लिए अपनी स्पीच भी रेडी कर ली है, आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, आप कल ही सुन लेना मेरे मुँह से। मम्मी पापा को भी दिखाते हैं, मम्मी पापा। अरे वाह, ये देखो मैंने अपनी स्पीच भी रेडी कर ली कल के लिए। ये तो सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स है सब। हाँ तो कल सुन लेना ना, आपके लिए भी सरप्राइज। पॉइंट्स इतने सारे, चार पेजेस? हाँ। बाप रे, इतना तो बोलेंगी। अरे वो सिर्फ पॉइंट्स है, सिर्फ पॉइंट्स है वो। अच्छा चलो आओ इधर, मैं आपको ना थोड़ी सी स्पीच सुना देती हूँ, बाकी पूरा तो आप कल ही सुनोगे। आओ मम्मी इधर बैठो। थैंक यू मुझे
स्टेज पे इनवाइट करने के लिए। देखो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे है ना सिर्फ बेस्ट स्पीच देना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे जितने भी मेरे एज के हैं या उससे कम एज के हैं उनको मैं हाय करती हूँ, और जो भी मेरे एज से बड़े हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। बाकी की स्पीच आप कल सुन लेना ठीक है, एनुअल फंक्शन पे बताना मैंने कैसा बोला, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। तो अभी है ना शाम हो गई और धूप भी कम हो गई है, तो हमको है ना ड्रेस का कुछ देखना पड़ेगा कल मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि कल का एनुअल फंक्शन है ना सुबह 9 बजे ही है, तो कल तो कुछ हो नहीं पाएगा। लग रही है ना, बताओ कमेंट में। तो अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए। देखो पापा ने क्या बोला है, मम्मी अगर रेंट से नहीं मिलता है ना तो हम बाय भी कर सकते हैं। सच में ऐसे बोला है? हाँ सच में, मेरे को बताया ना पापा ने। मम्मी कल के लिए मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, मैं अच्छे से कर लूंगी ना? हाँ फिर अच्छे से कर लेंगे। हाँ मम्मी मैं आपको पहले बता देती हूँ, मुझे है ना एकदम अच्छी और यूनिक ड्रेस चाहिए, ठीक है? ठीक है, जो मतलब है ना सबसे यूनिक हो और मुझ पर बहुत अच्छी लगे वैसी वाली ड्रेस देखना, क्योंकि मम्मी की चॉइस तो सबसे बेस्ट होती है। दी कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, और बहुत दिनों के बाद मिली है, इतनी बिजी रहती है ना हमेशा। और अभी एग्जाम आ गए ना, वाओ देखो दीन है ना न्यू शॉप बना ली, कितने मस्त मस्त आउटफिट है यहाँ पे। देखो मम्मी ये वाला पहना था ना तूने? हाँ ये पहना था मैंने, किस किस को याद है बता तो। सेम ये भी है। मैंने ना वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे है ना ये बारबी डॉल वाला ड्रेस अच्छा लगा। देखो ये कैसा लग रहा है। गर्ल्स आप लोग भी कमेंट में बताना ठीक है, मुझे वो केक के ऊपर बारबी नहीं रखते वैसे ही फील आ रहा है। मम्मी को है ना ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा है और ये पिंक वाला भी अच्छा लग रहा है। अब घर पर चलते हैं, देखते हैं पापा को कौन सा अच्छा लगेगा, फिर वही पहनेंगे हम लोग। ये दोनों ले रहे हो ना फिर? चलो थैंक यू श्रेया दी, थैंक यू, कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ऐसे ही आते रहना। चलेगा, और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिली है ये। सो अगर आप भी औरंगाबाद से और आपको भी है ना ये ड्रेस रेंट से लेना है तो दी से आप ले सकते हो। दी बताओ, मेरे पास प्री वेडिंग के लिए, मैटरनिटी के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए अगर आपको रेंट से ड्रेस चाहिए हो या फिर कस्टमाइज करके चाहिए हो तो आपको मिल जाएगा। और ग्लैमेक्स इज द फैशन हब ऐसा इंस्टा पर पेज है, वहाँ पे मेरा नंबर भी है बायो में, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दी, बाय, वेलकम। सो फाइनली मुझे ना एक अच्छा सा और प्रीटी सा ड्रेस जो है मिल गया है। वैसे मैंने ना ब्लू वाला और पिंक वाला दोनों ले लिया है, अब देखते हैं कल जो अच्छा लगेगा ना मेकअप करने के बाद में एकदम मस्त आएगा ना वही पहनूंगी। तो अभी है ना मैं जल्दी से खाना वगैरह खा के जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि कल 9 o'clock वो फंक्शन रहेगा, तो एटलीस्ट मुझे जल्दी से उठ के जल्दी जल्दी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? और कल वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होगी, तो मैं एक्साइटेड भी हो रही हूँ और नर्वस भी हो रही हूँ, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम मैं ऐसे स्पीच देने जा रही हूँ इतने बड़े स्टेज पे और इतने सारे पब्लिक के सामने, तो मुझे थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और मैंने एकदम अच्छा अपना बेस्ट दूंगी। ओके तो अभी मैं सो जाती हूँ खाना खा के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज मेरे लिए ना बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, मतलब यार मुझे है ना बहुत ऐसे खुशी हो रही है, मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ इतनी खुशी हो रही है। आज मैं देखो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी जल्दी से नहाना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, 9 बजे तक हमको सबको निकलना पड़ेगा, और इन सब के सामने है ना मुझे एकदम कॉन्फिडेंस में स्पीच देनी है, और वहाँ पर है ना इन सब के अलावा बहुत सारी ऑडियंस भी होने वाली है, मतलब बहुत सारे बच्चे फिर उनके पेरेंट्स, तो और ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है मुझे। तो कोई बात नहीं, मैं एकदम कॉन्फिडेंस में अपनी स्पीच दूंगी। ओके आपको भरोसा है ना मुझ पर? तो फिर ठीक है। और आप सबको पता है घर में आज सबसे पहले मैं ही उठी हूँ, तो मुझे और खुशी हो रही है कि देखो सबसे पहले आज मैं ही उठी हूँ, बाकी सब सो रहे। तो मैं नहा के आ गई हूँ, अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनूँ। ये देखो, ये कि मैंने कल दिखाई दिया था आप सबको, लेकिन फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये वाला एक गाउन है, एकदम बारबी डॉल जैसा है देखो ना, और ये ब्लू कलर का एक गाउन है, ये देखो ये ब्लू वाला एक गाउन है, दोनों यार
इतने मस्त बारबी डॉल जैसे है ना, और ये बेल्ट ऐसे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मैं सबसे पहले मेकअप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे। तो आज मैं ना ये कलर के लेंस पे पहनने वाली हूँ, तो मुझे ना मेरे हाथ से लेंस लगाना आता ही नहीं है, तो हमारी मम्मी मेरी हेल्प करेगी। ये वाह, आज पहली बार में लेंस लग गई, नहीं तो मेरे को बहुत रोना पड़ता है। वाह मम्मी वाह। बताओ मेरे लेंस कैसे लग रहे हैं? मैंने ना मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो आज मुझे ना एकदम बारबी डॉल के जैसे ही दिखना है, इसलिए मैंने एकदम बारबी डॉल वाला मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने ना फाउंडेशन लगा लिया, अब मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रोडक्ट भी मेरा फेवरेट है, ये है लिप चिक पेन। इससे ना गाल एकदम लाल हो जाता है। आई शेडो कौन सा वाला लगाओ इसमें से? पिंक वाला लगा दे। और इग्नोर करना, ये तोड़ दिया चिक को। नहीं, ये वाला लगाओ, पिंक वाला। एकदम बारबी डॉल वाला फील आएगा मुझे भी। देखो हो गया मेरा पूरा आई मेकअप, और मैंने लाइनर भी आज बराबर लगा लिया दोनों साइड पे। देखो मेरे नानी ने ना मेरे लिए ये पोहे बना के लाए। अगर ये मैं ना ये पोहे का एक निवाला भी खा लूँ ना, तो ये दांतों के ऊपर की जो क्लिप है ना वो पीली हो जाएगी। इसलिए मम्मी आप कंटिन्यू करो, मैं चाय पी लूंगी। तो मैंने ना फाइनली ड्रेस डिसाइड कर लिया है कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो ये देखो, आज मैं ये प्रिंसेस वाला बारबी डॉल वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो मैंने एकदम बस बारबी डॉल की जैसे तैयार हो गई हूँ। आपको मेरा फाइनल लुक देख रहे हैं? के लिए, और आज मैं ना बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। तो मम्मी मैं स्टेज पे अच्छे से बोल पाऊंगी ना, क्योंकि वहाँ पे ना 1000 से ज्यादा लोग होंगे। हाँ बहुत अच्छे से बोलेंगे तू। मेरे को ही डर लग रहा, नर्वसनेस हो रही है, तो कैसे बात करेंगे इतने सारे लोगों के सामने, वो भी माइक पे। पापा मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। मम्मी आप भी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं कर लूंगी। अरे हमको कॉन्फिडेंस है हमको कि तू कर लेंगे, तू 1000 क्या, तू कितने भी क्राउड के सामने बात कर सकती, लेकिन फिर भी नर्वसनेस लगती ना थोड़ी सी। वो तो है, नर्वसनेस तो सबको ही होती है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि मैं एज अ चीफ गेस्ट एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में जा रही थी।
बहुत क्यूट लग रही होती हूं। सारी लड़कियां देखो ना कितनी क्यूट लग रही है। हां ना कितनी सुंदर लग रही है सभी। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी तो मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही मेरी एक फोटो क्लिक करने के लिए मेहनत करते थे। लास्ट टाइम सॉन्ग लॉन्च के फंक्शन में कलेक्टर मैम ने मुझे रिसीव किया था, तो इस बार मैं उनको रिसीव करूंगी। फील हो रहा है क्योंकि मेरे मम्मी का भी ग्रैंड वेलकम किया गया। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा मेहनत है। आज मेरे मम्मी पापा भी मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। यही तो मुझे चाहिए कि वो हमेशा मेरे ऊपर प्राउड फील करे और मैं उनका नाम और बड़ा करूं। एक बेटी के पीछे उसकी माँ खड़ी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती है।
मुझे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी प्राइज देने का चांस मिला। मुझे उनको प्राइज देके बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे ये दिखा कि स्कूल और घर में बच्चों को ये संस्कार मिलते हैं। आज तो मेरे पापा के चेहरे पे बहुत तेज और खुशी दिखाई दे रही है और पीछे बैठे मेरे दादाजी बस मेरे लिए तालियां बजाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो में एज ए चीफ गेस्ट बैठ के एंड टेस्टी सा नाश्ता करके मेरे पापा तो बहुत खुश हो गए थे। थैंक यू सो मच। अभी मैं निकलती हूँ, ठीक है? बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैम भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। चलो फिर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे ना बहुत 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 मजा आया आज, बहुत ज्यादा। मैं तो फर्स्ट रो में बैठ के मैंने चाय भी पिया हूं, सैंडविच भी खाया। तो पापा बताओ कैसी लगी मेरी स्पीच? अरे एकदम जबरदस्त है ना। हाँ, तेरे एकदम डेरिंगबाज है तू, डेरिंगबाज। हम नीचे बैठे बैठे, वहाँ चेयर पे बैठे बैठे नर्वस हो रहे थे हम कि कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन तो एकदम जबरदस्त। दादाजी भी आए थे मालूम क्या? मतलब दादाजी ने भी मेरी स्पीच सुनी? हाँ, फिर सबसे ज्यादा तालियां वही बजा रहे थे। मैं नीचे देख रही थी आपके पास, तो मम्मी रो रही थी। क्यों? तो कुछ ऐसा था मेरी लाइफ का सबसे प्राउड डे। थैंक यू नेशनल इंग्लिश स्कूल मुझे इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय। चलो हाँ, मैं ना घर में चल के जल्दी से एक गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करता हूँ, मेरे को जानना है इसमें क्या है।